और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पलवल से ये खबर सामने आ रही है जहां पर धारा 144 लगा दी गई है एहतियात के तौर पर। तो देखिए नू में भड़की हिंसा के बाद ये एक्शन लिया गया है, सभी स्कूल और प्राइवेट संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। पलवल में भी धारा 144 लगा दी गई है नूह की मौजूदा स्थिति को देखते हुए। वहीं सभी स्कूल्स और प्राइवेट संस्थानों को बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स भी जगह जगह देखने को मिल सकती है और लगातार सरकार की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। तो देखिए पुनहाना रोड से गुजरने वाली गाड़ियों पर पथराव हुआ और अब देखिए पीस कमिटीज के जरिए शांति की अपील भी की जा रही है। नू में हिंसा के बाद स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है और ऐसे में देखते हुए पलवल में भी धारा 144 लगा दी गई है एहतियातन। वही स्कूल कॉलेजेस और जो प्राइवेट संस्थान है उन्हें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, इस वक्त पलवल की स्थिति क्या है, किस तरह के एहतियात बरतने के लिए वहां पर किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार लगातार अपील कर रही है कि लोग शांति बनाए रखें। देखिए बताना चाहूंगा कि पलवल की जो स्थिति है बिल्कुल सामान्य है, इस समय कोई भी ऐसी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिस तरह से जो कल मेवात में जो वहां पर जलाभिषेक यात्रा निकाली जा रही थी उसको लेकर जो वहां पर तनाव उत्पन्न हुआ, उसके बाद आसपास के जिले थे उनमें भी ये चिंगारी पहुंच पड़ी है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ पलवल की, तो पलवल में छिटपुट घटनाएं तो सामने आई, परंतु अब जिस तरह से यहाँ पर जो स्थिति है वो बिल्कुल कंट्रोल की गई है, क्योंकि जब कल शाम को अगर हम बात करें तो पलवल के हथीन गेट पर ही कुछ शरारती तत्वों ने गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की थी कि जो नू नंबर की गाड़ी थी और उसमें जो एक व्यक्ति था उसको काफी इंजर्ड किया। उसके बाद वहाँ पर पुलिस ने जिम्मा संभाला और पुलिस ने जाकर मौके पर स्थिति को देखा तो वहाँ पर जो लोग थे उनको वहाँ पर उनको भगाने का काम किया और उसके बाद वहाँ स्थिति को कंट्रोल किया गया। अगर फिर उससे हम बात करें पलवल से होडल क्षेत्र में जो पुनाना से आने वाली गाड़ियां थी वहाँ पर उनके ऊपर पथराव किया गया, वहाँ पर काफी लोगों को चोट भी आई और उसके बाद जो उन लोगों को चोट के बाद वहाँ पर उनका जो विरोध था जो वहाँ पर विशेष समुदाय के लोग थे उनका विरोध उनका सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से पलवल एसपी लोकेंद्र सिंह एएसपी जसवीन कौर ने जो जिम्मा संभाला है उससे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि अब जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, क्योंकि पलवल डीसी नेहा सिंह ने यहाँ पर जो धारा 144 लागू की गई है, इंटरनेट सेवाएं सरकार की तरफ से बंद कर दी गई है ताकि कोई भी भड़काऊ पोस्ट ना डाल सके और इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो यही है कि इंटरनेट सेवाएं जो बंद की जाए, क्योंकि जो शरारती तत्व लोग हैं वो पूरी तरह से बड़े जो इंटरनेट का ही यूज करते हैं और उसके बाद ही जो पूरी तरह से आम लोगों को जो भड़काने का काम जो मैसेज भेजने का काम करते हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि इंटरनेट सेवाएं बंद होने के बाद जो स्थिति है सामान्य हो पाएगी, क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री व गृह मंत्री की तरफ से भी अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें, जो शरारती तत्व लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस प्रशासन का साथ दे, क्योंकि जिस तरह से कल घटनाएं सामने आई पुलिस को भी काफी चोटें लगी हैं, एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, दो लोगों को गोलियां भी लगी हैं, तो उससे यही है कि शांति बनाए रखें, जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनको भी यही अपील की जा रही है ताकि आम लोगों को पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, आम लोग सुरक्षित रहें और कोई भी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न ना हो। बिल्कुल, और देखिए नितिन वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या गाइडलाइंस जारी की गई है, क्योंकि देखिए अब स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, प्राइवेट संस्थानों को बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर ताकि किसी भी तरह की हिंसा ना हो, और हम लगातार जो कल स्थिति देख रहे थे वो काफी भयावह वहां पर देखने को मिल रही थी, साथ ही जिस तरह से आगजनी की घटना हुई है, क्या वहां पर बाजार भी आज बंद रहेंगे या फिर खुले रहेंगे, किस तरह की आज जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? देखिए अगर मैं बात करूं पलवल में तो वैसे भी धारा 144 लागू कर दी गई है, मार्केट तो कल ही शाम को बंद करा दी गई थी, क्योंकि कल जब छिटपुट घटनाएं निकलकर पलवल में सामने आई थी तो उससे यही लग रहा था कि आम लोगों को वहां पर कोई ऐसा बड़ा तनाव न उत्पन्न हो जाए, क्योंकि कल मस्जिद के सामने कुछ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद व अन्य कार्यकर्ताओं ने वहां पर तोड़फोड़ कर दी थी और उसके बाद पुलिस ने वहां पर जाकर तुरंत मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालने के बाद जो लोग थे वहां पर उनको खदेड़ा गया और उससे खदेड़ने के बाद कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि जिससे ज्यादा तनावपूर्ण हो सके। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर धारा 144 लागू करने के साथ साथ जो स्कूल के स्कूल हैं, कॉलेज हैं या प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं सभी को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, और सरकारी विभाग जो हैं उनमें अगर मैं बात करूँ तो पुलिस में पलवल पुलिस की तरफ से लगभग 2000 पुलिस के जवान, चाहे होमगार्ड हो चाहे वो एसपी हो या फिर पुलिसकर्मी हो, उनको सुरक्षा में तैनात किया गया है और लगभग
8 डीएसपी यहाँ पर तैनात है। पलवल के में रह के गए पहले जो एसपी थे राजेश दुग्गल, उनको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है ताकि जो स्थिति है उसको कंट्रोल कर सके। बिल्कुल, तो देखिए तनावपूर्ण माहौल है और इसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से एहतियात बरता जा रहा है, वही सरकार की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। शुक्रिया नितिन तमाम जानकारियों के लिए, नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो वही